तीन गरीब अनाथ बहनों का सिक्कों का घर। माँ, पिताजी ने तो हमारा पहले ही साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर चली गई हो। अब हम लोग आपके बिना अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? दीदी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ दीदी, अब हम बिना माँ बाप के। तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। दीदी, भगवान जी ने तो सबको उनके माता पिता दिए हैं, फिर उन्होंने हमसे हमारे माता पिता को क्यों छीन लिया? हाँ दीदी, भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी बहन, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, हमारे माँ बाप जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे, इसलिए अब तुम लोग चलो यहाँ से। इतना कहकर दिव्या जैसे ही अपनी दोनों बहनों को लिए घर जा रही होती है, उसी समय वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। और सोनिया कहती है, ये क्या दीदी, बारिश तो फिर से शुरू हो गई। हाँ सोनिया, इसलिए तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी घर चलो, वरना रास्तों पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा घर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बारिश इतनी तेजी से हो रही होती है जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी भर गया था। तभी दिव्या कहती है, हे भगवान, अगर ये बारिश इसी तरह होती रही तो बहुत जल्द नदी का सारा पानी गांव के अंदर भर जाएगा और पूरे गांव में बाढ़ आ जाएगी। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आपको तो पता है ना कि हमारा घर सबसे कच्चा और मिट्टी से बना हुआ है, तो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिया इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उस गाँव में बाढ़ आ जाती है और गाँव के सभी लोग इधर उधर बहने लगते हैं और वो तीनों बहने भी पानी में बहने लगती है। उसी समय वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाती है। उसी समय दिव्या कहती है, इस बाढ़ की वजह से तो हमारा घर भी बह गया होगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दीदी, वो घर तो हमारे माता पिता की एक आखिरी निशानी थी, अब तो वो भी नहीं है। इतना सुनकर वो तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से पूरे दिन बारिश में भीगने की वजह से उन तीनों बहनों को बहुत तेज ठंड लग रही होती है। और अगले दिन जब बाढ़ का पानी थम जाता है और बारिश भी शांत हो जाती है, उसी समय दिव्या कहती है, देखो बाढ़ का पानी भी थम चुका है और बारिश भी बंद हो चुकी है, तो चलो गांव में चलकर अपने घर की हालत देखते हैं। इतना कहकर दिव्या अपनी दोनों बहनों के साथ अपने घर की ओर जाती है, लेकिन अपने घर की टूटी फूटी हालत देखकर उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सोनिया कहती है, दीदी बाढ़ की वजह से तो हमारा घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? और इस तरह वो तीनों अनाथ बहनें अनाथ होने के साथ साथ अब बेघर भी हो गई थी और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद तो बस एक घर ही था जो उनका सहारा था, लेकिन अब उन तीनों से वो भी छिन चुका था। और ऐसे ही कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और दो दिनों से भूखा रहने की वजह से उन तीनों बहनों को बहुत तेज भूख लगती है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है दीदी, भूख की वजह से पेट में भी दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है क्योंकि हमने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या करूँ मेरी बहन, हमारे पास तो ना रहने की जगह है और ना ही खाने के लिए खाना। उसी समय प्रिया को एक आदमी चौराहे पर बैठे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर दिव्या भी लोगों से भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी बहनों ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। दिव्या लोगों के सामने हाथ पसार कर भीख मांग रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और अपनी बड़ी बहन को इस तरह भीख मांगता देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, हम अपने लिए इस तरह अपनी बड़ी बहन को भीख नहीं मांगने देंगे। इतना कहकर वो दोनों बहनें भी अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर भीख मांगने लगती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन तीनों को कुछ पैसे मिलते हैं और पैसों से वो तीनों बहनें अपने लिए थोड़ा बहुत खाना खरीद कर अपना पेट भरती है, जिससे उनकी भूख तो मिट जाती है लेकिन उनके पास अभी भी रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। प्रिया, सोनिया, रात काफी हो चुकी है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इसी जगह पर अपना छोटा सा तंबू लगा लेते हैं, तुम लोग इस काम में मेरी मदद करना, ठीक है? इतना कहकर वो तीनों बहनें मिलकर उसी जंगल में एक छोटा सा तंबू बना लेती हैं, जिसके बाद वो लोग जैसे ही उस तंबू के अंदर सोने जाती है, उसी समय जंगल में कुछ जंगली जानवरों की आवाज सुनकर दिव्या की दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती है। दीदी, अगर यहाँ कोई जंगली शेर या जंगली जानवर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे?
सोनिया, प्रिया, तुम लोग डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर दिव्या अपनी दोनों बहनों के साथ सो जाती है और अगले दिन सुबह होते ही दिव्या सोनिया से कहती है, सोनिया प्रिया, इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कोई काम ढूंढ लूं जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर हमें इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर दिव्या अपनी दोनों बहनों को तंबू में छोड़कर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता, जिसके बाद दिव्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं उसकी दोनों बहनें तंबू में बैठे उसका इंतजार कर रही होती है। उसी समय प्रिया कहती है, देखो सोनिया, हमारी बड़ी बहन हमें कभी भी काम नहीं करने देगी, लेकिन हम लोग उनके पीछे से तो कोई काम कर सकते हैं ना। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, हमें भी अपनी बड़ी बहन की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों बहनें भी तंबू से निकलकर गांव के मंदिर के पास आ जाती है, जहां मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ी नदी होती है, जिसमें हर कोई सिक्के डाल रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। वहीं कुछ आदमी चुंबक की मदद से उन सिक्कों को नदी से बाहर निकाल रही होती हैं, और ये देखकर सोनिया कहती है, देखो दीदी, ये लोग कैसे चुंबक की मदद से नदी से सिक्के बाहर निकाल रहे हैं। हाँ सोनिया, अगर हमारे पास भी चुंबक होगा तो हम भी नदी में से सिक्के बाहर निकाल सकती हैं। इसके बाद सोनिया और प्रिया गांव के कुछ बच्चों से चुंबक लेकर नदी में से सिक्के बाहर निकालने लगती है। अरे वाह, ये देखो कितने सारे सिक्के निकल गए। हाँ दीदी, अभी तो हम बहुत सारे सिक्के बाहर निकालेंगे। इतना कहकर सोनिया और प्रिया नदी में से ढेर सारे सिक्के इकट्ठा कर लेती हैं, जिसके बाद वो उन सिक्कों को एक कपड़े में बांधकर अपने तंबू वाले घर में आ जाती है, और उसी के कुछ देर बाद उनकी बड़ी बहन भी घर वापस आ जाती है, और उसके वापस आते ही सोनिया कहती है, दीदी दीदी, ये देखो कितने सारे सिक्के। उसी समय पोटली में भरे हुए सिक्कों को देखकर दिव्या हैरान हो जाती है, और फिर वो अपनी बहनों से उन सिक्कों के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपनी बहन को नदी के सिक्कों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर दिव्या को बहुत खुशी होती है, और फिर वो उन पैसों से पेट भरकर खाना खाती है, और उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें हर रोज उस नदी के पास जाती है और नदी के अंदर चुंबक डालकर ढेर सारे सिक्के इकट्ठा करती है, और फिर वो उन सिक्कों से दो वक्त की रोटी पेट भर खाती है। तभी एक दिन दिव्या कहती है, जब इन सिक्कों से हमारा पेट भर सकता है तो फिर हम इन सिक्कों से अपना घर भी तो बना सकती हैं, और सिक्कों से बना घर तो बहुत ज्यादा मजबूत भी होगा और वो बारिश के पानी से खराब भी नहीं होगा। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और इस तरह वो तीनों बहनें सुबह से शाम तक उस नदी में से ढेर सारे सिक्के इकट्ठा करती हैं, और फिर मिट्टी के लेप और सिक्कों की मदद से वो लोग अपना एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। इसे बनाते हुए उन्हें काफी समय तो लग जाता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बाद वो लोग अपना सिक्कों से बना हुआ घर तैयार कर लेते हैं, जो बिल्कुल चांदी के समान चमक रहा होता है। देखो मेरी प्यारी बहनों, आखिरकार हमने सिक्कों की मदद से अपना ये घर बनाकर तैयार ही कर लिया। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह वो तीनों बहनें उस सिक्कों के घर में रहने लगती हैं, और इस तरह वो हर रोज नदी में से सिक्के निकालकर अपना गुजारा करने लगती है, और उसी की मदद से दिव्या अपनी दोनों बहनों को एक अच्छे से स्कूल में डाल देती है, जिसके बाद से वो तीनों अनाथ बहनें उस सिक्कों के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ठंड में गरीब तीन बहुओं का बस का घर। ओहो माँ जी, आज तो कितनी ठंड हो रही है, मेरे तो पूरे हाथ ही जम गए हैं। अरे बहू, तुम लोग तो फिर भी घर के अंदर हो, लेकिन तब भी तुम लोगों को इतनी ठंड लग रही है, तो सोचो तुम्हारा पतियों का क्या हाल हो रहा होगा, जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। सही कहा माँ जी आपने, आपके बेटे बहुत हिम्मत वाले हैं, जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। शांति अपनी बहू के साथ घर में बैठे ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे मुंह लटकाए घर में वापस आते हैं। उसी समय शांति उनसे कहती है, अरे क्या बात है बेटा, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी घर आ गए, काम खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, आज काम नहीं, आज तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ हमें माफ कर दो, वो दरअसल हम लोगों ने 3-4 महीने से घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो घर के खर्चे में ही निकल जाता था, इसलिए आज घर का मकान मालिक हमारे पास आया था और वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने शाम तक उसे सारे पैसे नहीं दिए तो वो हम लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा।
क्या? अरे वो ऐसा कैसे कह सकता है? अब भला शाम तक हम इतने सारे पैसे कैसे चुका पाएंगे? तुम लोगों ने उससे कुछ दिन की मोहलत क्यों नहीं मांगी? माँ, हमने उसके सामने कितने हाथ पैर जोड़े, कितनी विनती की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और उल्टा हमारी आज की मजदूरी के सारे पैसे भी लेकर चला गया। शांति अपने बेटों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उतने में ही दरवाजे पर उनका मकान मालिक सुरेश आ जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया क्या? लगता है तुम लोगों को यहाँ से धक्के मारकर निकालना ही पड़ेगा। अरे अरे भाई साहब, हम गरीबों पर जरा सी तो दया खाइए, हम लोग इतने ठंड में कहाँ जाएंगे, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है, जाओ जाकर मरो कहीं, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। अरे आप इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब तू दो कोड़ी का मजदूर मुझे बताएगा कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। अरे बेटा चुप हो जा, ऐसे इंसान से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर शांति अपने तीनों बहू बेटों को लेकर रात की कड़ी ठंड में बाहर निकल पड़ती है, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से उन लोगों का शरीर कांप रहा होता है। उसी समय उसकी छोटी बहू कहती है, ये लीजिए माँ जी, आप मेरी शॉल ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड है, अगर आपको ठंड लग गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। शुक्रिया बहू, लेकिन तू क्या ओढ़ेगी? माँ जी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर फिर से शांति अपने परिवार को लेकर आगे चलने लगती है, तभी वो लोग चलते चलते जंगल के किनारे पहुँच जाते हैं। सुनो बेटा, यहाँ तो हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, चलो कुछ देर यहीं पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, पता नहीं सुबह फिर क्या होगा। इतना कहकर शांति और उसके बहू बेटे पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से पेड़ों के पत्तियों के ऊपर से ओस की बूंदें नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। अरे माँ जी, अगर हम ज्यादा देर तक इस पेड़ के नीचे बैठे रहे तो हम लोग सुबह तक बीमार पड़ सकते हैं, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। हाँ माँ, वैसे भी इस घने जंगल में इस तरह से रात में रुकना सही नहीं है। उसी समय शांति की बड़ी बहू को कहीं से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये तो बस की आवाज़ लग रही है, इसका मतलब यहाँ आसपास कहीं कोई बस स्टैंड है, चलिए माँ जी हम वहीं पर चलते हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ ऐसे फुटपाथ पर रहने से अच्छा तो हम लोग बस स्टैंड पर जाकर रहे। इतना सुनकर सभी लोग मिलकर बस स्टैंड ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उन सबको वो बस स्टैंड मिल जाता है। अरे माँ जी, ये बस स्टैंड तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये बस तो कितनी पुरानी और खाली पड़ी हुई है, हम इसके अंदर अपनी रात गुजार सकते हैं। सही कहा बहू, कम से कम इसके अंदर हमें ठंड तो नहीं लगेगी। इतना कहकर शांति का पूरा परिवार बस के अंदर घुस जाता है और बस की एक एक सीटों पर जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं, माँ जी मैं सोच रही थी कि हम लोगों को मिलकर कुछ काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे समय पर मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम लोगों की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है बहू, तुम लोगों के साथ मैं भी कुछ काम कर लूँगी। ये आप क्या कह रही हो माँ, हमारे होते हुए आप काम करोगी? अरे बेटा, इस समय हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, तभी हम अपनी इस गरीब हालात को सुधार पाएंगे, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो और अपने काम पर जाओ, यहाँ मैं और बहुएं मिलकर कोई दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर शांति के बेटे वापस अपने मजदूरी के काम पर चले जाते हैं और वहीं शांति अपनी बहुओं को लेकर शहर की ओर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है। काश यहाँ शहर में हम लोगों को कोई एक जैसा ही काम मिल जाए, इससे हम लोगों को अलग अलग जाकर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। शांति और उसकी बहुएं ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है, सुनो तुम सबको जैसे काम की तलाश है, मैं तुम सबको वैसा काम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम किया करते थे आज से वो लोग काम पर नहीं आएंगे, और मेरी ड्राई क्लीन की बहुत बड़ी दुकान है, तो मैं ग्राहकों के इतने सारे कपड़े अकेले तो नहीं धो पाऊंगा, तो अगर तुम चाहो तो तुम लोग मेरे यहाँ ये काम कर सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर लाचार सास बहुएं तुरंत उस काम के लिए हाँ कर देती है। उस समय वो आदमी उन सास बहुओं को एक खाली ग्राउंड में रखे एक बड़े से टब के पास ले जाता है और कहता है, चलो अब तुम सब जल्दी से मिलकर ये सारे गंदे कपड़े को धो दो, उसके बाद फिर मैं और भी कपड़े ला कर देता हूँ। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है और ऊपर से ये ठंडी हवाएं,
माँ जी आप ऐसा करिए, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे, यहाँ कोई बैठने नहीं आया है, वरना मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। गरीबी से लाचार सास बहुएं ठंड की परवाह ना करते हुए कपड़े धोने शुरू कर देती हैं और शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी मेहनत के पैसे लेकर वे लोग वापस अपने बस के घर में पहुंच जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों बेटे भी काम से वापस आ जाते हैं। माँ क्या हुआ, आज आप लोगों को कोई काम मिला? हाँ बेटा, आज हम लोगों ने कुछ पैसे तो कमा लिए हैं। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, उन्हीं पैसों से कुछ राशन खरीद कर ले आए थे, इसलिए बहुएं मिलकर खाना बना रही है और कुछ चादर भी खरीद लाए। अरे वाह माँ, आप लोग तो घर से बाहर निकलते ही घर के आधी परेशानियों को ही दूर कर दिया। चलो अब जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप सब बैठ जाइए और गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। किसी ने सही कहा है कि अगर पूरा परिवार साथ मिलकर रहे तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। हाँ बेटा, एकजुट रहने में ही तो परिवार की असली ताकत का पता चलता है। इतना कहकर पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगता है और ऐसी ही शांति का परिवार अपनी गरीबी में गुजारा करने लगता है। और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं कि तभी एक दिन बस स्टैंड पर कुछ सरकारी अफसर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे आप लोग यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हो, ये कोई होटल नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से ये जगह खाली करो। क्या हुआ साहब, आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या तुम्हारे बाप की बस है जो तुम लोग यहाँ रह रहे हो? सुनिए साहब, हमें पता है यहाँ किसी के बिना इजाजत के रहना सही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास और कोई ठिकाना ही नहीं है, हम लोग इतनी ठंड में कहाँ जाएं? इतना कहकर बहुएं अपनी सारी कहानी उन सबको बताती है और कहती है, साहब अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएं? देखिए, हम लोग आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए सरकारी घर बनवा रखे हैं, तो आप लोग चाहे तो उस योजना का आनंद ले सकते हैं, इसलिए हम तब तक के लिए आपको कुछ दिनों की मोहलत और दे देते हैं। उस अफसर की बात सुनकर शांति के परिवार को रोशनी की एक उम्मीद दिखाई देती है। और फिर क्या, शांति के बेटे तुरंत जाकर सरकार द्वारा चलाई गई योजना में हिस्सा लेते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उनको अपना खुद का एक पक्का मकान मिल जाता है। और फिर वो सब बसें निकलकर अपने असली घर में आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अंधी लड़की का जादुई लहंगा, ये कहानी सुगंधा नाम की एक लड़की की है। सुगंधा देख नहीं सकती थी क्योंकि वो बचपन से ही अंधी थी। उसके माता पिता ने उसकी आंखों का बहुत इलाज करवाया, लेकिन सुगंधा फिर भी इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकती थी, जिस वजह से उसके माता पिता अक्सर बहुत दुखी रहा करते थे। और समय के साथ साथ अब सुगंधा बड़ी हो जाती है और अब उसकी शादी की उम्र भी हो जाती है, लेकिन वो घर का कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती थी। इसीलिए उसकी माँ सुलोचना हमेशा उसके काम में उसका मदद किया करती थी। वहीं सुगंधा के पिता दीनदयाल की अपनी खुद की कपड़ों की दुकान थी और उसी की वजह से उनके घर का राशन पानी चलता था। और अब समय के साथ साथ दीनदयाल और सुलोचना को अपनी बेटी सुगंधा की शादी की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुलोचना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो अब हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुलोचना, लेकिन भला हमारी अंधी बेटी से शादी करेगा कौन? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना जी, बस हमें उसके लिए थोड़ा ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। लेकिन सुलोचना, हमारे पास ज्यादा दहेज देने के लिए पैसे कहाँ हैं? एक दुकान ही तो है जिससे हमारे घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता है, बस उसी को गिरवी रख कर कुछ हो सकता है। सुगंधा के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसी समय सुगंधा वहाँ पर आती है और कहती है, माँ पिताजी आप लोग मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और मेरी शादी के लिए दुकान गिरवी रखने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी करने के लिए हमें पैसों का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से तो करना ही होगा ना, इसलिए अब तुम इन सब की चिंता मत करो, हम है ना। ऐसे ही अगले दिन दीनदयाल अपनी दुकान को गिरवी रखकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एक दिन रंजीत नाम का एक लड़का अपनी माँ रीता के साथ सुगंधा को देखने उसके घर आता है। तभी सुगंधा तैयार होकर
वहाँ पर आती है और ज्यादा दहेज मिलने के लालच में रंजीत का परिवार शादी के लिए हाँ कर देता है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद रंजीत और सुगंधा की शादी हो जाती है और सुगंधा खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुँचते ही सुगंधा की जिंदगी तो जैसे नरक हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसकी सास और उसकी ननद चारू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और उससे घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती है। ऐसे ही आज भी, अरे ओ महारानी, यहाँ सोफे पर बैठे बैठे आराम करना बंद कर। हम तुझे यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, इसलिए जा और किचन में रखे सारे गंदे बर्तन साफ कर, क्योंकि मैंने काम वाली बाई को आज ही निकाल दिया है। अब से घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी, मैं घर का सारा काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूँ? ससुराल में तो हर किसी को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो अंधी हो या फिर लंगड़ी। उसी समय वहाँ पर सुगंधा की नंद चारू आती है और कहती है, और नहीं तो क्या भाभी, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जो तुम यहाँ पर आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़ोगी। इसलिए यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। चारू, मुझे भी कोई शौक नहीं है बैठने का, लेकिन ऊपर वालों ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं सकती। सुगंधा की ये बात सुनकर उसकी सास रीता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी बेटी से जमा लड़ा रही है? अरे अंधी औरत, चुपचाप खड़ी हो और घर का सारा काम कर, वरना आज तुझे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुगंधा को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो चुपचाप उठकर रसोई में जाती है और गंदे बर्तन साफ करने लगती है। लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से कांच की कुछ कपे नीचे गिरकर टूट जाती है और टूटने की आवाज़ सुनकर रीता जल्दी से रसोई में आती है और कहती है, हे भगवान, इस अंधी ने तो इतने महंगे मेरे कॉफी के कप तोड़ दिए। अरे अब इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सुगंधा बहुत घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उसी समय वहाँ पर सुगंधा की ननद चारू भी आ जाती है और कहती है, देख लिया ना माँ, इस अंधी औरत को अपने घर की बहू बनाकर। अरे ये तो आए दिन कोई ना कोई चीज का नुकसान करती ही रहती है, इसलिए आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर चारों चिमटे को गर्म करके सुगंधा के हाथों पर लगा देती है और सुगंधा दर्द से चिल्ला उठती है। ऐसे ही हर रोज सुगंधा पर दोनों माँ बेटी मिलकर अत्याचार करते रहते हैं। तभी एक दिन जब सुगंधा रंजीत को इन सारी बातों के बारे में बताती है तो रंजीत उसका साथ देने की बजाय अपनी माँ और बहन का पक्ष लेने लगता है। और उस दिन सुगंधा को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई भी उसका सगा नहीं है, कोई भी उसका हमदर्द नहीं है। और उस दिन से सुगंधा के ऊपर वे लोग पहले से और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रंजीत अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके शर्त के अनुसार उस अंधी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आपको तो पता है ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुझे शादी करने से पहले इस अंधी सुगंधा का कुछ तो करना होगा। उसी समय चारू कहती है, भैया मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप कहो तो मैं बताऊं। इतना कहकर चारू सबको अपना आइडिया बताती है और उसका आइडिया सुनकर रंजीत बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन सुबह सुगंधा को पार्क में घूमने के बहाने वे लोग सुगंधा को एक घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां कई सारे जंगली जानवर रहा करते थे। उसी समय सुगंधा को कुछ ठीक नहीं लगता और वो कहती है, सुनिए, ये आप लोग मुझे कहां लेकर आए हैं? यहां तो बहुत सन्नाटा है, क्या यहां पर कोई इंसान नहीं है क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, यहां पर कितने सारे लोग हैं, लेकिन जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसलिए बस तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर रंजीत वहाँ से चला जाता है और सुगंधा बेचारी
जंगल के बीचों बीच अकेले खड़ी होती है और ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है, लेकिन रंजित अभी तक वापस नहीं आता। तो सुगंधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है और क्यों क्यों मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर चले गए? क्योंकि मैं अंधी हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जब आपने मुझे बनाया ही ऐसा है? तो सुगंधा ये सब सोचकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची रोते हुए आती है और कहती है, दीदी, मेरे पैर पर चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए दीदी। उस बच्चे की आवाज सुनकर सुगंधा अपना दुख भूलकर उसकी मदद करने लगती है। तभी वो अपनी साड़ी में से कपड़ा फाड़कर उस बच्ची के पैर पर बांध देती है, जिसके बाद वो बच्ची अचानक से एक परी में बदल जाती है और कहती है, सुगंधा, तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान किसी की मदद करना चाहे तो उसे आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसका मन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? परी जी, मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी इन अंधी आँखों को ठीक कर दीजिए, जिससे मैं भी इंसानों का असली चेहरा देख सकूँ। सुगंधा के इतना कहते ही परी उसे अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये लो सुगंधा, ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहनते ही तुम्हारी आँखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी और तुम्हारे ऊपर आने वाले सभी मुसीबतों से ये तुम्हारी रक्षा करेगी। उस परी के इतना कहते ही सुगंधा वो लहंगा पहन लेती है और उस लहंगे को पहनते ही सुगंधा की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन घर पहुँचते ही वो देखती है कि उसके पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और वे लोग भी सुगंधा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे मनहूस, तू वापस कैसे आ गई? तुझे तो मेरा बेटा जंगल में छोड़ के आ गया था ना? उन सब की ये बात सुनकर सुगंधा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और तुमने ये शादी भी पैसों की लालच में आकर ही की थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब तो मैं सब कुछ देख भी सकती हूँ, इसलिए मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सुगंधा की ये बातें सुनकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे लोग जैसे ही सुगंधा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सुगंधा के जादुई लहंगों में से बिजली के झटके निकलने शुरू हो जाते हैं और बिजली के झटके लगने की वजह से वे लोग वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद सुगंधा को उन लोगों से आज़ादी मिल जाती है और फिर वो अपने माता पिता के पास आकर खुशी खुशी जादुई लहंगों के साथ रहने लगती है।